हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः एक नई क्लास बीएससी सेकंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स लेकर आए हैं, ठीक है ना। जो आपका पार्ट नंबर क्या चलेगा, 38। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 37 वाले पार्ट के अंदर अपन ने ऊष्मा गतिकी का सेकंड नियम क्या होता है और व्यवहारिक ऊष्मा इंजन पढ़ा था, जिसमें इंटरनल इंजन और बाह्य दहन इंजन दोनों पढ़े थे। तो इंटरनल जो इंजन पढ़ा था ना, इंटरनल कंप्यूजन इंजन, अंतर्दहन, जिसके अंदर सॉरी बाह्य दहन इंजन, एक मैंने पढ़ा था कल, बाह्य दहन इंजन जिसके अंदर बाहर से जल को वाष्प में बदला जाता है, फिर उसको इंजन के अंदर भेजा जाता है। और इसी बाह्य दहन इंजन का प्रकार ही क्या था, भाप इंजन, है ना। पार्ट नंबर 37 देखना, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आज अपन क्या करेंगे, इसी का एग्जाम्पल भाप इंजन पढ़ेंगे। बाकी एक था आपका अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन के अंदर क्या है, अंतर्दहन इंजन में है पेट्रोल इंजन, है ना। एक तो है आपका टॉपिक पेट्रोल इंजन और एक है आपका डीजल इंजन, ये भी पढ़ेंगे अपन। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन क्या प्रोसेस होता है, लेकिन उससे पहले भाप इंजन क्या होता है, इस भाप इंजन को अपन समझ लेते हैं। तो आइए, भाप इंजन आज का आपका टॉपिक हो जाएगा स्टीम इंजन, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टीम इंजन, है ना। तो आपका टॉपिक हो जाएगा भाप इंजन, जिसको अपन बोलेंगे स्टीम इंजन। इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, स्टीम इंजन, ठीक है। चलो आइए, तो अपन सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद इसका डायग्राम बन जाएगा। अपन चाहे तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं यहाँ। डायग्राम के अंदर अपने पास हो जाएगा, ये है एक सोर्स, है ना। तो डायग्राम को आप ध्यान से, पेन वेन आपके पास तो क्या हर चीज़ अवेलेबल है, मेरे पास क्या सिर्फ पेन चलाना पड़ता है, स्केल वगैरह कुछ यूज़ नहीं हो सकती इसके ऊपर, है ना। तो थोड़ा जो लाइंस होती है वो ऊपर नीचे आ सकती है, लेकिन आप इनको घर पे अच्छे से ट्राई करोगे ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मेरे से लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, आप जब घर पर ट्राई करोगे तब आपको क्लियर रूप में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसको बिल्कुल सीधी लाइन बनाना है ऐसे, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, रुक गए, रुक जाइए, ऐसे भी रुक जाइए, ये पिस्टन बना रहा हूँ मैं ना, पिस्टन, ये आपका पिस्टन चला गया। जैसे ये पिस्टन बनाना है वैसे ही किसी को आपको यहाँ भी बनाना है ऐसे, और ये जो पिस्टन बना आपका वो यहाँ जाके रुक गया अपन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ रुक गए, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ रुक गए अपन, है ना। फिर उसके बाद ऊपर उठाया, फिर ये लिया और इसको ऐसे कर दिया, है ना। ये दोनों साइज में सेम होना चाहिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आपके, ये दोनों पिस्टन क्या होना चाहिए, आपके साइज में सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो भी अनुपयोगी उसमें होगी उसको अपन बाहर निकाल लेंगे, ठीक। और एक तो ये हो गया आपके पास, एक बीच में आपके पास आ जाएगा निकोस वॉल्व, यहाँ पर क्या होता है आपके पास निकोस वॉल्व होता है ना, वैसे बन जाएगा आपके पास डायग्राम। इसको थोड़ा सा अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा, है ना, कोई नहीं चलेगा। यहाँ पर होता आपके पास, एक मिनट रुकिएगा आप, थोड़ा सा इसको ऊपर लेना पड़ेगा डायग्राम को, तब जाके अपना कंप्लीट होगा। इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ ना, इसको अपन बंद कर लेते पहले, और आपका पिस्टन यहाँ बनेगा ना, थोड़ा सा चौड़ा बनेगा, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। ये हुआ, और यहाँ से बिल्कुल ऐसे चलेगा, ठीक, और ये चौड़ा नहीं बन रहा यार, थोड़ा सा और चौड़ा लेना पड़ेगा इसको,
ये हुआ आप कंप्लीट है ना, चौड़ा नहीं बनेगा ना तब तक मज़ा नहीं आएगा, है ना। ये हो गया आपका निकास वाल्व, थोड़ा सा ये इसको सही करना है हमने को। थोड़ा सा और फोल्ड होगा, ठीक है ये हो गया। और बीच में यहाँ पर लग जाएगा आपके पास, एक वाल्व ये लग गया है ना, बीच में लग गया ये। और यहाँ से अपने पास ऐसे सिस्टम बनेगा, एक एक वाल्व आपका ऐसे ऊपर आ जाएगा ना, और ये सीधा इससे टच होगा। थोड़ा सा ये यहाँ पर तिरछा हो गया ये, और ये ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे बता सकते हो, इस प्रकार पैक रहेगा ये। ओके जी, और एक आपका बन जाएगा यहाँ पर ऐसे ना, ये ऐसे पिस्टन युक्त सिलेंडर है कुल मिलाकर आपका, फिर उसी के अंदर ये क्रिया हो रही है। और एक आपका ये इसके ऊपर बन जाएगा, है ना, ये कंप्लीट। बस यहाँ से तो अंदर एंट्री मारेगा और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बस यही चीज़ है, ठीक है। ये वी आपका वॉल कौन सा होगा अपन देखेंगे, P2 और P1 दो सिलेंडर आपके पास है ना, एक सी हो गया पिस्टन युक्त सिलेंडर, एक ये आपका P, ठीक है ना। ये आपका स्टीम इंजन है, ये आपका क्या है, स्टीम इंजन। समझ में आता जाएगा ना, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्या होती जाएगी। ये एक ई बी वॉल्व यहाँ पर है ना, ये आपका पूरा डायग्राम बनाओ सेटअप। अब अपन जैसे जैसे मैं आपको लिखाता जाऊँगा आपको सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएगी। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले कि यह है एक प्रकार का, यह है एक प्रकार का, यह है एक प्रकार का बाह्य दहन इंजन है, बाहर से है ना, बाह्य दहन इंजन है जिसमें कार्यकारी पदार्थ जल होता है। पता नहीं पहले मैंने आपको लिखा है जिसमें कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, जल होता है। जिसमें कार्यकारी पदार्थ, जिसमें कार्यकारी पदार्थ जल होता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का बाह्य दहन इंजन है जिसमें कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, जल होता है। जल को ऊष्मा देकर, जल को ऊष्मा देकर भाप में रूपांतरित किया जाता है। किसमें चेंज करेंगे अपन, भाप में। जल को ऊष्मा देकर भाप में रूपांतरित किया जाता है जिससे उपयोगी कार्य हो सके, है ना, जिससे उपयोगी कार्य हो सके। इज इट क्लियर। जल को ऊष्मा देकर अपन भाप में रूपांतरित करेंगे जिससे उपयोगी कार्य हो सके। अब अपन शुरू कर देंगे इसकी क्रिया विधि। समझ में आ गया होगा कि यह एक प्रकार का क्या है, बाह्य दहन इंजन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, जिसमें कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, जल होता है। और जल को अपन ऊष्मा देंगे, किसमें चेंज करेंगे, भाप में, जिससे उपयोगी कार्य हो सके। अब आइए अपन इसकी कार्यविधि, थोड़ा सा आगे अगले वाले पेज में अपन लिखेंगे इसकी कार्यविधि, इसका प्रोसेस कैसे होता है, वर्किंग है ना, इसका वर्किंग देख रहे हैं अपन। तो वर्किंग के अंदर अपन देखेंगे कि इसमें ये उसमें भाप कक्ष यहाँ से एनर्जी करते हैं, इसे बाहर निकाल दे, अनुपयोगी ऊष्मा है ना, ये आपका उसमें भाप कक्ष है। तो अपन लिखेंगे कि इसमें बॉयलर से उष्मीय भाप कक्ष उष्मीय भाप कक्ष एस से प्रवाहित करते हैं। इसमें बॉयलर से उष्मीय उष्मा है ना, भाप कक्ष एस से प्रवाहित करते हैं, उष्मा है ना, यहाँ पर आप लिखो तो उष्मा लिख सकते हो,
इसमें बॉयलर से ऊष्मा वाप कक्ष एस से प्रवाहित करते हैं, है ना। इसमें बॉयलर से ऊष्मा वाप कक्ष एस से प्रवाहित करते हैं। यह कक्ष सिलेंडर सी, देखिए एक सिलेंडर सी बना हुआ डायग्राम है, पहले मैं लाइन लिखा देता हूँ आपको। यह कक्ष सिलेंडर सी जिसके दो द्वार, यह कक्ष सिलेंडर सी जिसके दो द्वार दो गेट P1 वे P2 से जुड़ा होता है, P1 वे P2 से जुड़ा होता है तथा इसमें निकोस वॉल्व EB लगा होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई, देखो निकास वॉल्व जहाँ से निकास वापस बाहर निकलेगा, निकास वॉल्व EB लगा होता है, निकास वॉल्व EB लगा होता है। देखिए थोड़ा आप पीछे चलिए डायग्राम में, देखिए आप यहाँ से उष्मा भाप कक्ष में जल को अपन भाप में चेंज कर रहे और इस कक्ष से अंदर भेज रहे, अंदर भेजते ही एक सिलेंडर बना हुआ सी, एक सिलेंडर क्या बना हुआ सी। अब उसमें क्या क्या चीज़ें जिसमें दो द्वार होते हैं P1 और P2। सिलेंडर को ऐसे बनाया गया, एक बार P1 बंद रहेगा तो एक बार क्या रहेगा P2 चालू रहेगा, और उसमें एक निकास वॉल्व EB लगा है, ठीक है, और एक वॉल्व आपका VB लगा है, उसके बारे में लिखेंगे। पूरा सिलेंडर एक साथ बना जिसको अपन सी सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। तो आगे चलिए कि जिसके दो द्वार P1 वे P2 से जुड़ा है तथा इसमें निकोस वॉल्व EB लगा होता है, इसमें एक सर्पी वॉल्व V, एक वॉल्व और है ना, इसमें एक सर्पी वॉल्व, आप चाहे तो इनके नाम भी लिख सकते हो, इनका क्या क्या रोल है, सर्पी वॉल्व V जो इस कक्ष में, नाम लिख देता हूँ मैं ना, एक तो ये तो है आपका निकोस वॉल्व, ये कौन सा आपका निकास वॉल्व, और ये है आपका सर्पी वॉल्व, है ना, सर्पी वॉल्व। तो एक सर्पी वॉल्व V जो इस कक्ष में पिस्टन की गति के विपरीत दिशा में गति करता है, पिस्टन की गति के विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है, ये यहां पर हो गया। अब इसमें क्या होगा, देखो एक बार वापस समझिए क्या क्या चीजें, इसमें बॉयलर से ऊष्मा भाप कक्ष एस से प्रवाहित करते हैं और यह कक्ष सिलेंडर सी के अंदर जाके खुलेगा। अब सिलेंडर सी में क्या क्या है, जिसके दो द्वार P1 वे P2 से जुड़ा होता है तथा इसमें निकोस वॉल्व EB लगा होता है। इसके अंदर कौन सा वॉल्व लगा होता है, इसके अंदर निकास वॉल्व, है ना, इसके अंदर निकास वॉल्व EB लगा होता है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना, बड़ा टॉपिक चलेगा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। इसमें एक सर्पी वॉल्व V है जो इस कक्ष में पिस्टन की गति के विपरीत दिशा में गति करता है। कैसे, देखिए आप जब आप इसको इधर गति कराओगे तो इसका मतलब P2 द्वार बंद हो गया, P1 आपका ओपन हो गया, तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा, इसी प्रकार ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब सर्पी वॉल्व पिस्टन की गति के विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वापस आगे देखिए, आगे क्या होगा कि जब एक बार जब एक बार भाप कक्ष निवेश द्वार P1 से जुड़ा हो तो, निवेश का मतलब अंदर एंट्री मारना है ना, निवेश द्वार कि जब एक बार वाप कक्ष निवेश द्वार P1 से जुड़ा हो तो दूसरा द्वार P2 तो दूसरा द्वार P2 निकास वॉल्व से संबंधित होता है, निकास वॉल्व से संबंधित होता है, निकास वॉल्व से संबंधित होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब डायग्राम आप पहले बना लिया करो, है ना, एक बार जब मैंने कंप्लीटेड डायग्राम बना लिया उसको आप बना लेना। अगर उसमें कुछ करना भी होगा भाई, ये जोड़ना या इसको घटाना, तो मैं आपको बेकायदा बोल के बता दूंगा, है ना, मैं आपको बेकायदा बोलूँगा या जोड़ना अगर नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या आपको पता, राइटिंग पेड पे लिख रहे अपन तो उसके लिए समझाना भी पड़ता है। तो इसमें क्या लिखा कि
एक बार देखो भाप कक्ष, ये वाला जो भाप कक्ष है ना, डायग्राम बना लिया फिर समझ। एक बार ये भाप कक्ष P1 से संपर्क में रहेगा, मतलब यहाँ से सीधी इसकी भाप अंदर जाएगी, तो P2 किससे अटैचमेंट है, निकास वाल्व से। फिर अगले स्टेप में ये इससे अटैचमेंट हो जाएगा, तो ये ऐसे सर्पी वाल्व से हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें ऐसे एक बाय एक करके ये सारा ऐसे प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो आगे देखिए कि निवेश द्वार P1 से जुड़ा होता है, तो दूसरा द्वार P2 निकास वाल्व से संबंधित होता है। तो उसमें भाप जो आपकी उसमें भाप है ना, वापस अपना के लिखेंगे, उसमीय भाप जो अपनी भाप बनी वो उसमीय भाप द्वार P1 द्वारा अंदर प्रवेश करती है। कहाँ से? द्वार P1 द्वारा, क्योंकि वो खुला हुआ है भाप से संपर्क सीधा, तो उसमें भाप द्वार P1 द्वारा अंदर प्रवेश करती हैं, जिससे सिलेंडर सी में यांत्रिक व्यवस्था द्वारा उपयोगी कार्य होता है। सिलेंडर के अंदर कार्य हो रहा है ना, सिलेंडर सी में यांत्रिक व्यवस्था द्वारा, सिलेंडर सी में क्या होता है, यांत्रिक व्यवस्था द्वारा उपयोगी कार्य होता है, ठीक है। अंदर क्या हो रहा है, एक प्रकार से कार्य हो रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है, और कैसे पूरा वर्क एंड प्रोसेस हो रहा है। यांत्रिक व्यवस्था द्वारा उपयोगी कार्य होता है, बाद में अनुपयोगी ऊष्मा, जो ऊष्मा बच जाती है ना, बाद में अनुपयोगी ऊष्मा, P2 द्वारा निकास वाल्व ई में चली जाती है ना, निकास वाल्व ई में चली जाती हैं। कहाँ पर चली जाएगी अनुपयोगी ऊष्मा? ओके, अनुपयोगी ऊष्मा चली जाएगी निकास वाल्व के अंदर, है ना, जिससे अपन इसको बाहर निकाल देंगे। निकास वाल्व ई में चली जाती हैं, जिससे सर्पी वाल्व, जिसे सर्पी वाल्व वी द्वारा बाहर निकाला जाता है, सर्पी वाल्व वी द्वारा बाहर निकाला जाता है। एक ही आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। वापस देखिए क्या लिखा अपन है, कि देखिए आप, जब एक बार भाप कक्ष निवेश द्वार P1 से जुड़ा होता है, तो दूसरा द्वार P2 किससे होता है, निकास वाल्व, और निकास वाल्व किससे जुड़ा है, सर्पी वाल्व से, है ना। तो सबसे पहले क्या हो रही, उसमें भाप द्वार P1 द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जिससे सिलेंडर सी में क्या होता है, यांत्रिक व्यवस्था द्वारा उपयोगी कार्य होता है, बाद में जो अनुपयोगी ऊष्मा P2 द्वारा जो अनुपयोगी ऊष्मा है ना, वो P2 द्वारा किस में चली जाएगी, निकास वाल्व ई में चली जाती हैं, जिससे सर्पी वाल्व वी द्वारा बाहर निकाला जाता है। देखिए आप एक बार समझ लीजिए, आप ये रहा देखिए, यहाँ से भाप आई, ये भाप अंदर आई P1 गेट के अंदर, सी के अंदर कार्य हो रहा है, कार्य होने के बाद फिर अनुपयोगी ऊष्मा, इसको अपन सिलेंडर को इधर खिसकाएंगे, तो अनुपयोगी ऊष्मा जो होगी वो P2 के अंदर आ जाएगी, P2 से कहाँ चली जाएगी, निकास वाल्व ई में, फिर ई से सर्पी वाल्व वी में चली जाती है, जिसे अपन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, पुनः देखिए कि इस स्थिति में अब क्या होगा, पिस्टन पर दाब लगता है, दाब लगेगा तो ये P2 खुल जाएगा, P1 ओपन हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यू चलता है। तो देखिए आप आगे वापस, कि इस स्थिति में पिस्टन पर दाब लगने के कारण पिस्टन पर फोर्स लग रहा है, तो दाब लगने के कारण पिस्टन अंदर की ओर वे सर्पी वाल्व भी विपरीत दिशा में गति करता है, है ना, कि इस पर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है, तो दाब लगने से
पिस्टन तो क्या हो रहा है आपका, पिस्टन पर दाब लगने से पिस्टन अंदर की ओर और सर्पिवोल वी क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में गति करता है। अर्थात अब क्या होगा, अब वापस जब भाप आएगी ना, अर्थात उसमें भाप अगले प्रक्रम में है ना, अगले प्रोसेस में क्या होगा, उसमें भाप अगले प्रक्रम में द्वार P2 से प्रवेश करेगी, गेट P2 से प्रवेश करेगी है ना। उसमें भाप क्या हो जाएगी, अगले प्रक्रम में कहाँ से आएगी, P2 से प्रवेश करेगी। वे अनुपयोगी उष्मा अब अगले है ना, अब P1 खुल जाएगा, वे अनुपयोगी उष्मा द्वार P1 से है ना, अनुपयोगी उष्मा द्वार P1 से होती हुई अनुपयोगी उष्मा द्वार P1 से होती हुई सर्पिवॉल्व वी द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। बस ये हो गया आपकी सिस्टम कंप्लीट। एक बार इससे वापस वही पिस्टन पर दाब लगेगा और आपका पिस्टन क्या हो जाएगा, आपका पिस्टन अगले प्रोसेस में पुनः अंदर की ओर गतिशील हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यू, एक बार ये गतिशील हुआ, एक बार ये गतिशील हुआ, और ऐसे ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है ना। ये हो गया, क्या लिखा अपन ने लास्ट में, देखिए आपकी इस स्थिति में पिस्टन पर दाब लगने के कारण पिस्टन अंदर की ओर और सर्पिवॉल्व वी क्या होगा, विपरीत दिशा में गति करता है। अर्थात उसमें भाप क्या होगी, अगले प्रक्रम में गेट P2 से प्रवेश करेगी। इसका मतलब है ना, द्वार P2 खुल गया आपका, आपका कौन सा खुल गया, द्वार P2 खुल गया। इसका मतलब ये किससे टच हो गया, ये हो गया P1 से टच है ना। तो यही चीज़ है, अगले प्रक्रम में गेट P2 से प्रवेश करेगी, वे अनुपयोगी उष्मा द्वार P1 से होती हुई सर्पिवॉल्व वी द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, और पिस्टन पुनः अपनी क्या होती हैं, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है ना, और पिस्टन पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। बस आपको यही लिखना पूरा जो मैंने लिखा है छांट छुटाकर। बस इसका एक और अपन ग्राफ बनाएंगे, एक और ग्राफ बन जाएगा, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट है ना, कि और पिस्टन पुनः क्या हो जाएगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार अलग अलग चीज से गुजरता हुआ पिस्टन आपका पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एक थोड़ा सा और लिखना, वो भी अपन लिख देते हैं कि इस प्रकार भाप इंजन द्वारा है ना, इस प्रकार भाप इंजन द्वारा चक्रीय प्रक्रम में, साइकिल प्रोसेस में पूरी यांत्रिक व्यवस्था होती है, चक्रीय प्रक्रम में पूरी यांत्रिक व्यवस्था होती है और यह इंजन उत्क्रमणे की और यह इंजन उत्क्रमणता की और यह इंजन उत्क्रमणता की सभी शर्तों का पालन करता है, उत्क्रमण इंजन है ना, उत्क्रमणता की प्रथा का पालन कर रहा है कि बार बार गुजर रहा है। एक बार ये हुआ, P1 से अंदर मार दी भाप, फिर अगले स्टेप में P2 से अंदर मार दी, फिर दोनों स्टेप में निकास वॉल्व V से क्या हो जाती, बाहर निकल जाती है और पुनः अपनी फर्स्ट स्टेज में आ जाता है ना। ये ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, पुनः आप
इंजन गतिशील हुआ और इंजन गतिशील होने के बाद पुनः उसकी फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। देखिए आपका पूरा ये थ्योरेटिकल टॉपिक ही है ना, तो अपन इसको एक बार पूरा थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि फिर अपने पास कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना, आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देखिए अपन इनको वापस देखते हैं। अपने पास स्टीम इंजन जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बनाएंगे इसका डायग्राम। अब अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम लोड करते हैं। पी और वी के मध्य अपन क्या करेंगे, इसका कर्व बनाएंगे। तो वो कर्व कैसे आ जाएगा, वो कर्व आएगा, वो कर्व आएगा 20 मिनट और भी, उच्च ताप पर वो कर्व आपका कैसे आएगा, वो कर्व आपका हो जाएगा उच्च ताप पर, है ना, टेम्परेचर अपन हाई ले रहे हैं, उच्च ताप पर पी और वी के मध्य, पी वे वी के मध्य अगर अपन ग्राफ खींचेंगे, पी वे वी के मध्य ग्राफ खींचे तो निम्न अवस्था प्रदर्शित करता है। पी वे वी के मध्य कर्व खींचा जाए, पी वे वी के मध्य कर्व खींचा जाए जो निम्न अवस्था, जो निम्न अवस्था प्रदर्शित करता है। यस, आ जाइए अब अपन क्या करते हैं, इसका कर्व भी बना लेते हैं। आइए, कर्व जो बनेगा आपका वो ऐसे बनेगा, पी और वी दाब और इसके मध्य, है ना, ये इधर तो हो गया आपके पास पी और इधर हो गया आपके पास वी। ठीक है, ये स्टार्टिंग ऐसे गया इसका और फिर उसके बाद ये ऐसे होता हुआ घूम गया, है ना, और फिर ये आपका ऐसे आ जाता है, ये ऐसे ग्राफ आएगा इसका, है ना, ध्यान रखिएगा आप, पूरा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, फर्स्ट स्टेज ये, फिर ये, फिर ये और ये, फिर ये, वही चीज़ होगी यहाँ पर, है ना, जो अपन ने पढ़ी थी ना, ए से अवस्था बी पर पहुँचा, उस समय टेम्परेचर T1 था, फिर बी से सी पर आ गया, सी से डी पर आया तो तब टेम्परेचर, है ना, ए बी सी और डी पुनः ए पर चला जाता, वही साइकिल प्रोसेस हो रही है ना। तो अब जो यहाँ पर है ना, ये ए बी सी डी क्या है उनको अपन देख लेते हैं एक बार, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, जो ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में अपन देख लेते हैं, और बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी अपन देख लेते हैं, है ना, और सी डी, सी डी किसको कर रहा है और डी ए किसको कर रहा है, आप इसे बिल्कुल बेकायदा ऐसे लिखोगे, ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी किसको कर रहा है, सी डी किसको कर रहा है, डी ई किसको कर रहा है। तो सबसे पहले ए बी, ए बी देखिए कि उच्च ताप पर, उच्च ताप पर जल का भाप में रूपांतरण, है ना, ए बी किसको कर रहा है, उच्च ताप पर जल का किस में रूपांतरण हो रहा है, जल टू बी चेंज इन भाप के अंदर। ठीक है, फिर बी सी सी, है ना, ये साइंटिस्ट ने बताया हुआ ऐसे, बी सी करो किसको बता रहा है, बी सी करो बता रहा है सिलेंडर सी में भाप के प्रसार का निरूपण, सिलेंडर, सिलेंडर सी में भाप के प्रसार का निरूपण, भाप के प्रसार का निरूपण। ठीक है, ये बी सी हो गया। इसी प्रकार सी डी किसको बता रहा है, यहाँ पर डी लिखना भूल गई, सी डी किसको बता रहा है, सी डी बता रहा है अनुपयोगी भाप, जो अनुपयोगी भाप, अनुपयोगी भाप, अनुपयोगी भाप जो है ना, बची भाप होती है जो निम्न ताप पर सर्पी वॉल्व से बाहर निकलती है, अनुपयोगी भाप जो निम्न ताप पर, जो निम्न ताप पर सर्पी वॉल्व से बाहर निकलती है। जो निम्न ताप पर सर्पी वॉल्व से बाहर निकलती हैं, सी डी हो गए। ठीक है, एक बार वापस समझ लीजिए आप कि आपको जो ए बी है वो ए बी क्या बता रहा है, ए बी बता रहा है उच्च ताप पर जल का भाप में रूपांतरण। पूरा टॉपिक पढ़ा था ना अपन ने, पूरा इसका थ्योरी जो पढ़ी थी उसी थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन करके समझाया। ठीक है, फिर उसके बाद बी सी क्या बता रहा है कि सिलेंडर सी में भाप के प्रसार का निरूपण,
ठीक है, बाप का प्रसार हो रहा है सी के अंदर, उसका निरूपण। फिर उसके बाद सी से डी का रूप क्या बता रहा है, जो अनुपयोगी बाप है ना, जो निम्न ताप पर सर्पी वॉल्व से बाहर निकलती है। अनुपयोगी बाप जो निम्न ताप, ये सर्पी लिखा है ना, सर्पी वॉल्व से बाहर निकलती हैं। और एक और बच्चा आपका डी ए, वो डी ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप चाहो तो यहाँ लिख दो डी ए के बारे में ना, थोड़ा स्पेस कम है। डी ए किसको बता रहा है, कि डी ए बता रहा है, डी ए आपका बता रहा है जल को पंप द्वारा, जल को पंप द्वारा पुनः कहाँ भेजना, बॉयलर में स्थानांतरित करना। जल को पंप द्वारा पुनः बॉयलर में, जो बॉयलर है ना जहाँ पर जल का भाव बन रहा है, बॉयलर में स्थानांतरित करना। बस ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है ना, ये सारी चीज़ें चलेगी। तो उम्मीद करूँगा आपको टॉपिक समझ में आ गया हो, कि जल को पंप द्वारा कहाँ भेजना, पुनः बॉयलर में स्थानांतरित करना। ये आपका पूरा इंजन कंप्लीट है। स्टीम इंजन क्या होता है, स्टीम इंजन, वाप इंजन, ये डायग्राम बनेगा उसका, है ना। ये लाइनें मत बनाना, जो भी एरो मैंने इधर उधर बनाई वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर ये एक प्रकार का बाह्य दहन इंजन है, जिसमें कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, जल होता है, और जल को ऊष्मा देकर अपन किस में रूपांतरित करते हैं, वाप में, जिससे उपयोगी कार्य हो सके। फिर ये वर्किंग, वर्किंग पूरी कंप्लीटेड लिखा दी मैंने, यहाँ से यहाँ तक पूरी आपकी वर्किंग है ना, ये यहाँ तक वर्किंग है आपकी। वर्किंग मैंने आपको क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ जो भी लिखा हुआ है, कि सबसे पहले अपन जो भाप कक्ष एक्स है ना, ये रहा डायग्राम निकालते हैं अपन, भाप कक्ष एक्स द्वारा उच्च ताप पर जल को ऊष्मा में परिवर्तित किया, फिर अंदर भेजेंगे, अंदर भेजने के बाद सी पिस्टन सी में जाएगा, सी सिलेंडर में जाएगा, जिसमें पी वन पी टू दो द्वार हैं, ठीक है, और ई और वी, एक तो आपका निकास वॉल्व है, एक आपका क्या है, सर्पी वॉल्व है। स्टार्टिंग में पी वन गेट खुला रहेगा तो पी टू गेट बंद रहेगा, और पी टू गेट का, पी टू जो गेट है उसका कनेक्शन किससे होगा, निकास वॉल्व ई से होगा। तो जैसे ही वो ऊष्मा आई वो पी वन द्वार के अंदर जाएगी, है ना, जो ऊष्मा आ रही वो सीधी किसके अंदर जाएगी, पी वन द्वार के अंदर। अंदर सारा कार्य होगा, पूरा कार्य होने के बाद जो अनुपयोगी ऊष्मा बच जाएगी वो निकास वॉल्व ई के अंदर चली जाएगी, फिर ई से अपन निम्न ताप पर सर्पी वॉल्व वी में भेज देंगे, और सर्पी वॉल्व वी से बाहर निकाल देंगे। इस कंडीशन में इस पर दाब लगेगा, दाब लगने पर अगले स्टेप में पी वन द्वार बंद हो जाएगा और पी टू खुल जाएगा, है ना। जैसे ही पी टू खोला तो अब जो भाप है वो एस से अंदर जाएगी पी टू से, है ना, पी टू से अंदर गई वापस, वो सिलेंडर सी के अंदर कार्य होगा। कार्य होने के बाद जो अनुपयोगी ऊष्मा पी वन है, अनुपयोगी ऊष्मा को अपन पी वन द्वार से किस में, ई में भेजेंगे, और फिर निम्न ताप पर ई सर्पी वॉल्व से उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और पिस्टन पुनः प्रारंभिक अवस्था, मतलब पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था भाप कक्ष एस आ जाएगी। तो इस प्रकार ये कंटिन्यू इसका प्रोसेस चलता रहता है ना, कैसे यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और एक बार इससे एनर्जी लेगा, एक बार इससे एनर्जी लेगा, फिर अगले स्टेप में इससे एनर्जी लेगा, और कंटिन्यूटी ये चीज़ें चलती रहेगी, है ना। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ बना वो भी अपन समझ लेते हैं। इसका करो बनाया अपन ने, कि पी और वी के मध्य, पी और वी के मध्य करो ऐसा आया, है ना, ग्राफ दिख रहा है, अवस्था ए से बी, फिर बी से सी आई, सी से डी और डी से ए, पुनः ऐसे साइकिल प्रोसेस, उत्क्रमणीयता की शर्तों का पालन करता हो, पुनः एक से दूसरे पर, फिर अगले स्टेप में ऐसे चला जाएगा, है ना, ये सारी ऐसे चलेगी। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, कि जो ए बी ताप है वो ए बी उच्च ताप पर जल का भाप में रूपांतरण, ए बी किसको बता रहा है, कर उच्च ताप पर जल का किस में रूपांतरण, भाप में रूपांतरण, और बी सी, बी सी किसको बता रहा है, कि सिलेंडर सी में भाप के प्रसार का निरूपण, सिलेंडर के अंदर जो भाप हो रही है उसका निरूपण हो रहा है, ठीक है। और सी डी अनुपयोगी भाप, जो भाप बच गई ना उसको निम्न ताप पर सर्पी वॉल्व से बाहर निकालते हैं। सी डी ग्राफ किसको बता रहा है, कि निम्न ताप पर अपन उसको सर्पी वॉल्व से बाहर निकाल रहे, ठीक है। और लास्ट में बच गया डी ए, डी ए किसको बता रहा है, जल को पंप द्वारा पुनः बॉयलर में स्थानांतरित करना, जल को पंप द्वारा पुनः किस में स्थानांतरित करना, बॉयलर में स्थानांतरित करना, ठीक है। तो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। आज आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भाप इंजन की क्रियाविधि को समझाइए, है ना, पूरा प्रोसेस हो जाएगा इसका। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कि भाप इंजन की क्रियाविधि को समझाइए, यही आज आपको क्वेश्चन करना है कंप्लीटेड। इसको अच्छे से देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एक अपन छोटा सा, अब अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे अपन पेट्रोल इंजन, वो अपन क्या पढ़ेंगे, पेट्रोल इंजन, ऑटो या पेट्रोल इंजन, बहुत ये भी तीन चार अलग अलग स्टेप में चलेगा, लेकिन इसमें अभी क्या अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसमें जो सिलेंडर होगा ना, पहले इसको अपन समझते हैं आगे, इसमें जो सिलेंडर होगा वो गतिशील होगा,
सबसे पहले आप ध्यान दीजिए या इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। बाकी अगले वाला जो पार्ट आएगा ना, अभी अपने पास कौन सा पार्ट चल रहा है, अभी इसका पार्ट नंबर 38 चल रहा है। जब अपन पार्ट नंबर 39 पढ़ेंगे ना, उस पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो सिलेंडर होता है, सबसे पहले पेट्रोल इंजन है, इसमें जो सिलेंडर होता है वो कौन सा होता है, गतिशील होता है। सिलेंडर क्या होगा आपका, गतिशील होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लिखा है मैंने आपको गतिशील सिलेंडर होगा, और इसमें दो गेट होंगे। इसके अंदर कितने गेट होंगे, इसके अंदर आपके पास दो गेट होंगे। एक तो होगा इनपुट, जिसको अपन बोलेंगे आई द्वार, है ना, एक होगा आउटपुट, जिसको अपन बोलेंगे ओ द्वार। शॉर्ट में समझ लीजिए, थ्योरी में आपको सारी भी अगले वाले पार्ट में दिखूंगा, क्योंकि अभी अपने पास क्या टाइम थोड़ा कम है, लेकिन उसको अपन उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ आपको समझ लेंगे, मतलब एक गतिशील सिलेंडर होता है, इसके अंदर कितने गेट होते हैं, इसके अंदर दो गेट होते हैं, एक तो होता है इनपुट आई गेट और एक कौन सा होता है, आउटपुट ओ गेट, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी सिलेंडर से जस्ट अटैच, जो आपका सिलेंडर है ना उसी से अटैच एक कार्बोरेटर होता है। सिलेंडर से ही अटैच ये क्या होता है, कार्बोरेटर होता है। सिलेंडर से स्टेडी क्या होता है, कार्बोरेटर। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, वायु और पेट्रोल का मिश्रण डालते हैं। ध्यान से देखिए, आपको पता ना पेट्रोल इंजन क्या होता है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दो नाम है, दोनों सेम है। एक तो है आपका पेट्रोल इंजन, एक क्या है आपका डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन के अंदर कार्यकारी पदार्थ क्या होता है पता हो आपको, तो पेट्रोल इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ अपन यूज लेते हैं वो है जल प्लस पेट्रोल का मिश्रण, वायु प्लस पेट्रोल का मिश्रण, ठीक है ना। ये चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई अपन ने, वायु प्लस पेट्रोल, जबकि डीजल इंजन में अपन क्या लेते हैं, वायु प्लस डीजल। ये दोनों इंजन सेम है, बस कार्यकारी पदार्थ इसमें चेंज चला जाता है। तो अपन क्या करेंगे, कार्बोरेटर जो है ना उसके अंदर वायु प्लस पेट्रोल दोनों का मिश्रण एक साथ भरेंगे, ठीक है, वायु प्लस पेट्रोल मिश्रण। कार्बोरेटर से क्या हो जाएगा आपके पास, वायु प्लस पेट्रोल मिश्रण। इसको अपन क्या करेंगे, इनपुट गेट है ना आई, उस आई द्वार से अंदर प्रवेश कराएंगे। इस मिश्रण को अपन क्या करेंगे, आई द्वार से उस जो पूरा डायग्राम बना होगा ना उसके अंदर प्रवेश कराएंगे। अभी बनाऊंगा मैं आपको डायग्राम, कैसे क्या है सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, है ना। अपन क्या करेंगे, कार्बोरेटर से वायु प्लस पेट्रोल मिश्रण दोनों भरेंगे और उसको अपन आई द्वार से अंदर प्रवेश कराएंगे। जैसे ही वो अंदर जाएगा तो एक स्पार्क प्लग भी लगा होगा, जो आपका डायग्राम बनेगा ना उस डायग्राम के अंदर आई और ओ गेट और बीच में होता स्पार्क प्लग एस, बीच में क्या होता है स्पार्क प्लग एस लगा होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो मिश्रण अंदर जाएगा उस सिलेंडर के अंदर चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी, चिंगारी उत्पन्न होगी तभी तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। सिलेंडर के अंदर क्या हो जाता है, चिंगारी, अचानक से जोरदार से विस्फोट होगा, है ना, चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो इंजन है उसमें पूरा चार प्रोसेस होंगे, चार प्रोसेस चलेंगे, चार प्रक्रम में अपना काम पूरा कंप्लीट करेगा, मतलब चार प्रक्रम हो गए। सबसे पहले अंदर जाना, फिर अंदर कार्य होना, फिर अनुपयोगी उसमें सांटना और बाद में बाहर निकल जाना, ये चार चीज़ें होगी। ये जो आपका इंजन चलेगा ना वो इंजन कितने प्रोसेस में कार्य कंप्लीट करेगा, कि ये इंजन चार प्रोसेस में कार्य कंप्लीट करता है। इसलिए इसका एक नाम और है, वो है चार स्ट्रोक इंजन। इसको अपन क्या बोलते हैं, चार स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, चार स्ट्रोक। पेट्रोल इंजन का एक और नाम क्या है, कि पेट्रोल इंजन जो अपना कार्य है वो अपना कार्य चार प्रक्रम है ना, चार प्रक्रम में जाके पूरा कंप्लीट करता है, इसलिए अपन इसको चार स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। जबकि डीजल इंजन में क्या होगा, डीजल इंजन में वो का वही चीज़ें सब एक ही, लेकिन इसमें पांच प्रक्रम होंगे, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। डीजल इंजन में सारा सब कुछ प्रोसेस वो का हुई, लेकिन वो पांच प्रक्रम यानी पांच चक्कर लगाने के बाद अपना कार्य पूरा कंप्लीट करेगा, इसलिए इसको अपन पांच प्रक्रम के रूप में लेंगे। डीजल इंजन को अपन कितने रूप में लेंगे, पांच प्रक्रम, पांच प्रोसेस में जाकर ही अपना कार्य पूरा कंप्लीट करेगा, है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत अपन जब अगले वाला पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट नंबर 39, ये भी 38 चल रहा आपका, है ना, पार्ट नंबर 38 लेंगे तो 39 के अंदर अपन ये सारी चीज़ें देखेंगे कंप्लीट। तो आप इनको घर पे देखना, आज का आपका सारा कंप्यूटर देखो लिखा हुआ है, भाप इंजन पूरा अपन ने समझ लिया, पूरा आज अपन ने भाप इंजन विद थ्योरी भी लिख ली। तो आप इनके कंप्लीटेड नोट्स बनाएंगे घर पे, है ना, ये पूरी थ्योरी विद ये भी डायग्राम। एक बार जब मैं पहले बोलता हूँ ना, जब मैं पहले, तब आप उनका नोट्स बना लेना, बाद में मैं उनको पुनः एक बार आपको पता है, एक बार आपको पुनः समझाता हूँ, तो उसमें आपको क्या इधर उधर में लाइनें ये बना देता हूँ ना, ऐसे इस प्रकार की लाइनें। लेकिन हालांकि मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे चलिएगा पुणे,
तो बाप इंजन की क्रियाविधि को समझाइए, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बाप इंजन की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन ने नोच शॉर्ट वे में पेट्रोल इंजन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या पूरा ये प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है, और वो चार स्ट्रोक इंजन ये सारा प्रोसेस चलेगा, है ना। तो ये चीज़ें अभी अपन समझेंगे उसको बड़े वे में। एक बार तो नॉर्मल मैंने आपको समझा दिया, अपन जब इसकी बड़ी क्लास करेंगे ना तब अपन उसको देखेंगे ना। तो आज के लिए बस इतना सा ही, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स वगैरह कर सकते हो।